मुंबई इंडियंस का स्क्वाड सबसे डेंजरस है, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने इस बार के ऑक्शन में बड़े चुनिंदे प्लेयर को ही खरीदा है और इसीलिए टीम आईपीएल में इतना सक्सेसफुल टीम मानी जाती है। बात तो सही है। क्योंकि मुंबई इंडियंस को पता है कि हमारे टीम में कैसे प्लेयर का रिक्वायरमेंट है और ये उसी हिसाब से ऑक्शन में उस प्लेयर को पिक करते हैं। बाकी टीमों जैसा नहीं कि 10-11 करोड़ खरीद दें और पूरे सीजन बेंच पे बैठा दें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये काम मुंबई इंडियंस नहीं करता है और इसीलिए ये टीम आईपीएल में 5 बार चैंपियन बन चुका है। बात तो सही है। तो अगर हम मुंबई इंडियंस की स्क्वाड की बात करें तो सबसे पहले मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में हो गए रोहित शर्मा, उसके बाद हार्दिक पांड्या, फिर सूर्य कुमार यादव, फिर तिलक वर्मा, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, फिर दीपक चहर, फिर करण शर्मा, उसके बाद विल जैक, फिर मिचेल सेंटनर, फिर रिस टॉफली, रियन रिक्टन, अश्वनी कुमार और अर्जुन तेंदुलकर। तो ये हैं मुंबई इंडियंस के 15 से 16 नाम जो इस बार आईपीएल 2025 में खेलते हुए दिख सकते हैं। तो आप सबको मुंबई इंडियंस के स्क्वाड के बारे में क्या कहना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रॉकी राजपूत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।